हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5 है, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है और भी लेक्चर आएंगे कुछ दिनों में। और आज की क्लास में टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो हैं, देखिए, हेल्थ सिस्टम देखेंगे इंडिया में और ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हेल्थ सिस्टम का इंडिया में, सेंट्रल लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पे कैसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा है, ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdsfarmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपको एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ सिस्टम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट एंड रिसोर्सेज विच प्राइमरी पर्पज इज टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विस। यानी हेल्थ सिस्टम का मतलब ये है कि जो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट्स हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, जो काम करता है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या कहलाता है, हेल्थ सिस्टम। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हेल्थ सिस्टम क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या रिसोर्सेज है, जो भी मेन मतलब उनका प्राइमरी पर्पज़ हो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम इंक्लूड हेल्थ एक्टिविटीज़, यानी हेल्थ सिस्टम में हेल्थ एक्टिविटीज़ होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, ये सारी जगह पर ये सारी सुविधाएँ होती हैं। द पॉलिसीज एक्सप्रेस बाई द गवर्नमेंट टू डिलीवर ऑप्टिमम हेल्थ केयर फॉर इट सिटीजन, यानी जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं या एक्सप्रेस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको अच्छी तरीके से डिलीवर करना सिटीजन्स को, ये भी किन का काम होता है, हेल्थ सिस्टम का। हेल्थ सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए और गुड क्वालिटी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक मतलब अच्छा होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में ये है हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम, हेल्थ सिस्टम जनरली इंक्लूड फॉलोइंग, यानी हेल्थ सिस्टम जो कुछ इंक्लूड करता है वो देखिए हेल्थ सिस्टम क्या क्या। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ हेल्थ पॉलिसीज, यानी हेल्थ पॉलिसीज को ग्रोथ करना, ग्रो करना, ये कितने का होता है हेल्थ सिस्टम। एलोंग विद देयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यानी इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ डेवलपमेंट ऑफ रेगुलर सिस्टम फॉर हेल्थ सर्विस के लिए, यानी डेवलपमेंट करना जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको, किसके लिए, हेल्थ सर्विस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एंड डेवलप द इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड द हेल्थ सर्विस इन द रेंज ऑफ दिस सिस्टम, यानी डिफाइन करना या डेवलप करना इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क होता है जो जो प्रोवाइड कर सके हेल्थ सर्विस को, यानी किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क बनाना या माइंड मैप बनाना हेल्थ सर्विस के लिए। असाइन और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इट फंक्शनिंग, यानी साइन करना या ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियल हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गए किसके मतलब जो ह्यूमन हेल्थ सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड द हेल्थ सर्विस, यानी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ये क्या करते हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो है जनरली इसमें इंक्लूड होते हैं हेल्थ सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया में आप देखेंगे। द साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड रेगुलेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी फॉर्मुलेटिंग करना या रेगुलेट करना गवर्नमेंट एजेंसीज, जिनका गोल क्या है, हुज गोल इज टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री और नोन एज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी या फॉर्मुलेशन मान लो या रेगुलेशन मान लो, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको रेगुलेट करने के लिए, जो भी उनका मतलब जो एजेंसीज या उन गवर्नमेंट का क्या मतलब रोल होता, गोल होता है कि फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग जो भी हेल्थ है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सके जो भी कंट्री में लोग हैं, उसे हम बोलेंगे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया कंप्रेस ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इंडिया के पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मेंटेन्ड दैट स्टेट्स और मेनली इंडिपेंडेंट इन मैटर रिलेटेड टू द प्रोविजन हेल्थ केयर टू द पीपल, यानी
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यानी मेंशन किया गया है कि जो स्टेट्स हैं ये मेनली इंडिपेंडेंट हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए पीपल्स के लिए। एवरी स्टेट हैज़ वेल स्टेबल सेपरेट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सारी स्टेट हैं उनके पास अपना अपना हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये देर आर थ्री लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में थ्री लेवल्स के हेल्थ सिस्टम है। पहला है सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल लेवल पे देखता है, स्टेट लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल है। इन तीनों को डिटेल में हम नेक्स्ट की स्लाइड में हम देखने वाले। सबसे पहले देखिए सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें थ्री ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हेल्थ सिस्टम में। सबसे पहली होती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड होती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, थर्ड होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी ये तीनों इसमें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से देख ले कि सेंट्रल लेवल के कितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और काउंसिलिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ। अब देखिए इसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रेगुलेटेड बाई द कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये रेगुलेट की जाती है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है या डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर होता है। दे आर पॉलिटिकली अपॉइंटेड टू सर्व डुअल रोल, यानी ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड किया जाता है, वो डुअल रोल कर सके, एक पॉलिटिक्स का एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी कर सके फॉर हेल्थ केयर के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में, ये सारी जगहों पे ये होते हैं। फंक्शन की बात करें, इनका काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और एक्यूमरेट इन 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज दिस फंक्शन लिजन अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में जो भी है वो फंक्शन करते हैं। देखिए हमने पीछे क्या देखा कि ये फंक्शन क्या क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल 246 में है उसमें लिस्ट में जो है वो काम करते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गए यूनियन, एक हो गए स्टेट, एक हो गए कॉन्करेंट। अब इन एक एक को देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से हैं। तो देखिए यूनियन लिस्ट में इट मैनेज इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन, यानी वो इंटरनेशनल जो हेल्थ रिलेशंस होते हैं अदर कंट्री से उनको मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटाइनिंग, इट टेक केयर ऑफ सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट का भी ये टेक केयर करते हैं, लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन, मतलब अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई, कोलकाता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज हो गई या दिल्ली एक्सेट्रा, इन सारे को ये क्या करता है टेक केयर करते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स विद स्टेट्स एंड अदर मिनिस्टर टू प्रमोट हेल्थ, यानी ये कोऑर्डिनेट करते हैं या कोलैबोरेशन करते हैं अदर स्टेट के साथ या अदर मिनिस्टर्स के साथ, किसके लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के। ये कौन करते हैं, ये करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये किसके ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हैं सेंट्रल लेवल के। ठीक है, अब देखिए स्टेट लिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द हेल्थ केयर वर्क फोर्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल केयर करना किसकी, वर्क फोर्स के। स्टेबलाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्टेबलाइजमेंट करना, रेगुलेटिंग ऑफ फूड एंड ड्रग क्वालिटी, फूड और ड्रग की क्वालिटी को रेगुलेट करना। कॉन्क्रीट लिस्ट की बात करें, टू प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज को रोकना फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये भी किन का काम होता है, इन्हीं का काम होता है। टू रेगुलेट दी ड्रग एंड पॉइजन, ड्रग और पॉइजन को रेगुलेट करने के लिए। टू रिकॉर्ड वाइडर स्टैटिस्टिक्स, टू प्लान इकोनॉमिकल एंड सोशल हेल्थ वेलफेयर, टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड इंश्योर फैमिली प्लानिंग, ये सारा काम किनको होता है, यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट अब देखते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DTGHS स्टोर्स कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज, यानी ये क्या करते हैं, जो भी सारी कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज है
जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में या मेडिकल एजुकेशन में या पब्लिक हेल्थ में इस्तेमाल होती है या यूज़ की जाती है, उन सारों को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं पब्लिक हेल्थ में, मेडिकल एजुकेशन में या हेल्थ केयर में। इट इज़ एन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यानी ये एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिप्यूटी DGHS फॉर मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल, डिप्यूटी DGHS फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए, डिप्यूटी DGHS फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तीनों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शन की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन हो गया वही स्टोर करने का, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन हो गया, नेशनल मेडिकल मेडिसिनल मेडिकल लाइब्रेरी हो गई, मेडिकल रिसर्च हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हो गई। ये किन का काम होता है, ये डिटोरिएट डिटोरिएट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का ये काम है। नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ऑन अगस्त 9 1952, यानी अगस्त 9 1952 में द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वॉज स्टेबलाइज बाई प्रेजिडेंटल ऑर्डर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी 1952 में 9 अगस्त को ये क्या गया था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ स्टेबलाइज किया गया था प्रेजिडेंट के ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 263। इट वॉज क्रिएटेड फॉर डेवलपिंग सिंक्रोनाइज एंड कॉम्बाइंड एक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी ये इसलिए डेवलप किया गया था कि सेंटर और स्टेट कॉम्बाइंड एक्शन ले सकें, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेजरिंग कॉन्करेंट द नेशनल हेल्थ। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ऑफ हेल्थ इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर और इन इट्स मेंबर। फंक्शन देखें टू एग्जामिन एंड पर्पस बोर्डेड आउटलाइन ऑफ द पॉलिसीज के लिए एग्जामिन करना, पर्पस यानी इस रेस्पेक्ट टू द मैटर रिगार्डिंग हेल्थ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट लाइक प्रोविजन ऑफ रेमेडियल या प्रिवेंटिव केयर के लिए, मतलब जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी रेगुलेट करते हैं उन सारों को प्रमोट करना, अच्छे से मेंटेन करना, एनवायरमेंटल हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गए, हेल्थ एजुकेशन हो गया, या प्रमोशन ऑफ फैसिलिटेट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए। अब ये तो हो गया कौन सा, सेंट्रल लेवल। अब हम देखते हैं स्टेट लेवल, ठीक है। इन हिस्ट्री द फर्स्ट अचीवमेंट इन स्टेट हैज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन ईयर 1990 में आया था, व्हेन द स्टेट टेरिटरी अचीव्ड एनाटॉमी इंडिपेंडेंटली अंडर द मॉन्टेग्यू क्लेमोफोर्ड रिफॉर्म्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। यानी सबसे पहले कब आया था, 1990 में आया था, जिस किसके लिए कि गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी पब्लिक हेल्थ होती है वो स्टेट वाइज अलग अलग कर सकें। सम सिस्टम ऑफ द पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रिएटेड टू ऑल स्टेट टिल 1921 एंड 1922। यानी सिस्टम मतलब कुछ ऐसे सिस्टम्स जो पब्लिक हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी थी कब, 1921 से लेके 1922 तक। एडिशनली द स्टेट वॉज अटेंड फंक्शन फर्दर एनाटॉमी बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द अनलिमिटेड अथॉरिटी विथ इज लाइबल फॉर द हेल्थ सर्विस विद इन द जुडिशन इज द स्टेट मिनिस्टर विद द सेक्रेटरी अंडर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी कमिश्नर हेल्थ फैमिली वेलफेयर बिलोंग टू द टीम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लीड द स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनको कौन लीड करेगा, IAS ऑफिसर यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हु इज अंडर द रेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फंक्शन की बात करें टू क्रिएट रिव्यू एंड मॉडिफाई द आउटलाइन ऑफ ब्रॉड पॉलिसीज, यानी जो भी पॉलिसीज होती है उनको क्रिएट करना, रिव्यू करना और मॉडिफाई करना, अगर कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, ये किनका काम होता है, स्टेट लेवल इनका काम होता है। टू कंडक्ट पॉलिसीज प्रोग्राम कंडक्ट करवाना, टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना कि सही है कि नहीं है अदर स्टेट और अपने स्टेट के बीच में। टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इन ये स्मूथ एंड इफेक्टिव वे में, ठीक है। अब ये देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट एसेंशियल लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट विच इज डिफाइंड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन। यानी जो डिस्ट्रिक्ट है एसेंशियल लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, इसमें ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन डिफाइन करता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ सर्विस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हो, यानी किस वजह से।
दे और सिक्स मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरिया विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिक्स मेन टाइप एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले होती है, देखिए नेमली उनका बात करिए तो सब डिवीजन हो गए, तहसील हो गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक हो गए, म्यूनसिपालिटीज हो गई, कॉरपोरेशन हो गए विलेज में और पंचायत में, ठीक है, ये सारे हो गए। अब इनकी फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट सेगमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम, यानी ये इंडिपेंडेंट सेगमेंट प्रोवाइड करता है नेशनल हेल्थ सिस्टम। इट प्रोवाइड मिडिल लेयर लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिडिल लेवल और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वर्क एज प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया अंडर ए कलेक्टर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की जो हेल्थ सिस्टम इंडिया है उसके बारे में, और फिर उसके बाद में जनरली सिस्टम जो भी इंक्लूड करते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखा, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखा, सेंट्रल लेवल पे और ये जो है स्टेट लेवल पे, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हो या डोनेशन देना चाहते हो तो ये फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है, आप कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हो हमारे टीम मेंबर के लिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।